मैं सूरभ शाह चौबे, प्रदेश महासचिव सचिव सौण आर्मी उत्तर प्रदेश। सौण आर्मी का निर्माण सुरेश पांडे ने बहुत त्याग और परिश्रम के बाद किया है। वह मात्र 20 वर्ष की आयु में सवर्ण की आवाज बनने का प्रयास किया, उनको जोड़ने का प्रयास किया। सवर्ण समाज का उपयोग सबने किया, परंतु उसका आवाज बनने का प्रयास किसी ने किया। सौण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश पांडे सवर्ण समाज के हक की आवाज बनकर एक अलग पहचान आप देश और प्रदेश में देश में बनाए हुए हैं। सवर्ण आर्मी जातिगत आरक्षण और SC ST एक्ट का खुलकर खुले मंचों से विरोध करती है। आज यह सवर्ण समाज की स्थिति हो गई है कि बिना अपराध के, बिना जांच के सवर्ण लोग जेल में जा रहे हैं और उनकी आवाज न कोई राजनीतिक दल, न कोई सामाजिक संगठन उठा रहा है। आज ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता हुई है जो समाज के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और समाज और राजनीतिक दलों का पोषण करते हुए समाज का शोषण करवा रहे हैं। जातिगत आरक्षण एक ऐसा काला कानून है जिसका खुलकर सवर्ण समाज को विरोध करना चाहिए। आज हमारे साथ है, कल आपके साथ हो। जातिगत आरक्षण कुछ चंद लोगों के लिए बना हुआ है। मात्र रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव जैसे लोगों तक ही यह आरक्षण सीमित हो गया है। हम लोग सवर्ण आर्मी किसी भी जात मजहब का विरोध नहीं करती, ना हम आरक्षण का ही विरोध कर रहे हैं। हम यह चाहते हैं कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हो उनको आरक्षण किया जाए, चाहे वह किसी जात वर्ग विशेष का हो। गरीबी जात देखकर नहीं आती, हर वर्ग हर जगह गरीब हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। सवर्ण आर्मी युवाओं से यह कहना चाहूंगे कि आज आपका युग है और आप अपने हक की आवाज बनकर सवर्ण आर्मी से जुटे। किसी भी नेता के साथ सेल्फी ले लेने से, किसी विधायक मंत्री साथ चाय पी लेने से आपकी पूरा नहीं हो पा रही है। नेता बनना है तो अपने समाज के लिए बने, अपने समाज के साथ को कुछ कार्य करें। मैं चाहूंगा सभी लोग सवर्ण आर्मी से जुड़े और सवर्ण के हक की लड़ाई के मुहिम में सुरेश पांडे का साथ दें।